चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। अपन ठीक से हवा दे गोली मार के। ओके पर अबे मैं अपने ऊपर गोली चलाने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पंखा ठीक से दे गोली मार के। पंखा गोली मारने से नहीं चलेगा बॉस, मैं पाना लेके आता हूँ। अबे पाने का क्या करेगा, पंखा खोल के तुमको दूंगा ना। अबे चुप कर, सालों बाद जेल से आया हूँ मैं गोली मार के। अच्छा बॉस तुम जेलर को गोली मार के आए हो, मुझे लगा तुम्हारी सजा खत्म हो गई है। अबे खत्म हो गई है सजा, लगता है मेरे पीछे तूने एक भी डाका नहीं मारा, कैसी फकीरों वाली जिंदगी होगी है यार। सूखी रोटी और बासी सालन खाया है मैंने। तो क्या करता बॉस, आपके बगैर जगह डालने में मजा ही नहीं आता था, इसलिए मैंने साइड बिजनेस शुरू कर दिया। अभी कैसा साइड बिजनेस, सड़क किनारे बैठ के भीख मांगने का बॉस। अबे तू भीख मांगता था गोली मार के? गोली मार के नहीं, हाथ फैला के। अबे तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। क्यों बॉस, अब आप भीख मांगेंगे? नहीं बे, सालों पहले की बात है, जेल जाने से पहले जो मैंने डकैती की थी उसका सारा माल मैंने एक जगह पे दफन किया था, वो माल निकालने के लिए जाएंगे हम। कहाँ? कब्रिस्तान से? अबे कब्रिस्तान नहीं, जिस जगह मैंने वो माल दफन किया था उस जगह घर बन गया है, उस घर का मैंने अब नक्शा भी ले लिया है। लेकिन बॉस उस घर में जाके हम खुदाई कैसे करेंगे? अबे कान इधर आ, गोली मार के। बॉस सचमुच गोली तो नहीं मारोगे? अबे चुप बैठ, ध्यान से मेरी बात सुन। अरे ईद मिलने जाओ, आगे लो पुलिस बुला लेते। हाँ तो किसने कहा था माजी को कि ईदी ना मिलने पर पड़ोसी का गला ही दबा दे? वो तो दीन ने कहा था कि वो मांगते वक्त आपने शर्म नहीं करनी। वो क्या, भीख? ओ भीख नहीं जाहल, वो जो मांगने गए थे। ओ ईदी यार, ओ माँ जी मैंने थोड़ा सा भरम कराने को कहा था यार, आपने तो चमांडी दे मारी यार मंजूर साहब के। अरे तुम मेरा गुस्सा नहीं जानता कफील पत्र। अरे हटो भी, तुम्हारे गुस्से को देखते देखते आज हम जेल जाने लगे थे। हाँ और जो घर घर जाके ईदी कटी की थी सारी पुलिस वाले को देनी पड़ गई। तो कोई बात नहीं पुत्र, हम सबको अकीला ईदी देगी। अरे कौन अकीला बे? शकील की बेगम ये बैठी है मीसनी कुन्नी, अपने बाप के पैसे दबा के। वैसे माँ जी ठीक कह रही है जानू, तुम्हें ना हमें 5,000 ईदी देनी चाहिए हर एक को। शट अप नबील। ओके जानू, मुझे लग रहा है ये ईद जो है ना इसी तरह खाली जेब और खाली पेट गुजरेगी। वो जो खाली जेब और खाली पेट गुजरेगी वो ईद होगी। हाँ जी। अच्छा जी। हाय लगता है कोई मुझे ईदी देने आ गया, मकसूद मैं चली। ओ माँ जी ख्याल से खोलिएगा। मुसीबत बैठी। हो तुम लोगों का भीख मांगने का बिजनेस है? नहीं नहीं, मेरे बॉस की 8-10 फैक्ट्रियां हैं। हाँ हाँ हाँ, एक दो मेरे नाम लगा तो मैं मानू ना बच्चू। आप हमें अंदर तो आने दे गोली मार के। ले तुझे गोली मार दूंगी तो अंदर कैसे आएगा? अरे मैं आपका ये घर खरीदना चाहता हूँ गोली मार के। हाय मैं भी पुलिस बुलाती हूँ, यही कहीं होगी पुलिस। प्लीज। नहीं नहीं, वो मेरे बॉस का मतलब है कि वो ये घर खरीदना चाहते हैं, मेरे बॉस करोड़पति है मैडम। आए करोड़पति लोगों को तो हम फौरन घर में बुला लेते, मगर उसके बाद वो करोड़पति नहीं रहते। आओ करोड़पति हूँ, आओ आओ करोड़पति हूँ, चल करोड़पति हूँ भी, आज करोड़पति शाम बच आओ, ये है हमारा घर करोड़पति हूँ भाई हूँ, आओ 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 भाग ना जाना, आ ये कौन है मुमताज? हाँ इनसे मिले, ये मुमताज है और ये इनके बड़े भाई फराज है। अरे भाई मुमताज तुम्हारा नाम है यार। चुप है, इतना मर्दाना नाम नहीं है मेरा। वो माँ जी आप किने अंदर ले आई हैं? हाँ फरजाना याद आया, ये बड़े करोड़पति लोग हैं इसलिए मैं इनको घर में ले आई हूँ। बहुत अच्छा किया माँ जी आपने, बहुत ही अच्छा किया, कुछ तो कमाई होगी ना भाई ईद वाले दिन। जी फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? रेड की हड्डी में बड़ी तकलीफ है, जैतून का तेल लेके मालिश करते हैं भाई। क्या कह रहा है तू उनसे? हमारे बॉस खरीदना चाहते हैं। आए हम बकाओ नहीं है ठाकुर साहब। अगर आपका दिल कर रहा है तो ये बड़े मुंह वाला इंसान खरीदना चाहे तो खरीद ले। नबील। अरे भाई मैं इस घर की बात कर रहा हूँ गोली मार के। अरे भाई आप गोली मारे बगैर भी तो बात कर सकते हैं। देखो मेरा नाम पाशा है, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, इस घर की मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ हम ये घर नहीं बेच सकते। अरे क्यों नहीं बेच सकते भाई? क्योंकि हम खुद यहाँ किराए पे रहते हैं भाई। हाँ तो ठीक है, एक कमरा मुझे भी किराए पे दे दो एक हफ्ते के लिए, मैं तुम्हें 2,00,000 रुपया दूंगा। 2,00,000 रुपया?
नबील सोचना भी मत, मैं अपना कमरा हरगिज नहीं दूंगी। और मैंने भी अपना कमरा नहीं देना किराए पर, चल निकल इधर से। देखें भाई, हमारे पास दो ही कमरे हैं, हम आपको कमरा किराए पर नहीं दे सकते यार। चलो चलते हैं बॉस। अबे रुक ना, तो ठीक है तुम लोग मुझे लाउंज ही किराए पे दे दो भाई। क्या लाउंज किराए पे लेके आप क्या करेंगे? हमारे बॉस को जो चीज पसंद आती है ना वो खरीद लेते हैं, क्यों बॉस? बिल्कुल ठीक कहा इसने। देखो एक हफ्ता हम यहाँ पे रहेंगे और तुम ऐसे करो कि अपने मालिक से डील हमारी करवा दो, उसका कमीशन भी हम तुम्हें देंगे। अरे यार नवीन, अरे हमारी तो लॉटरी लग जाएगी यार। हरगिज नहीं। आप लोग जरा मेरे साथ बाहर आए। पाशा भाई आप तो शरीफ रखे, हम लोग जरा छोटी सी मीटिंग करके आते हैं। कर लो आज 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 आइए। जी 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 आज वो आज वो आज वो मैं तो कहती हूँ नबील उसको लैटरीन किराए पे दे ही दे। अरे मोमो वो लैटरीन नहीं, वो लाउंज किराए पे मांग रहा है। हाँ तो वो दे दे ना। हरगिज नहीं, मुझे तो वो दोनों बहुत मशकूक लग रहे हैं नबील। वैसे मैं भी अनवर को जब बहुत करीब से देखती हूँ तो मुझे भी बड़े मशकूक से लगते हैं। वो कौन अनवर माँ जी? ये बड़े मुंह वाला आदमी मुमताज। मुझे तो वो दोनों बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे नबील। सारा सोचो तो, लाउंज किराए पे कौन लेता है और वो भी 2 लाख रुपए में। तुम ऐसा करते? डिपेंड करता है जानू, अगर तुम्हारे पापा जी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दें तो मैं इस तरह ही पैसे उड़ाऊंगा भाई। ये मेरा पुत्र, मुझे तो लगता है हमें उन दोनों को लाउंज बिल्कुल नहीं किराए पे देना चाहिए। चुप है। एक तो तू हमें खुद ही दे नहीं देती और कोई और देने लगे तो तुझे वो आती है। वो क्या? मौत जानू मौत। शट अप नबील। यू शट अप। मेरी माँ ठीक कह रही है, एक तो ऊपर वाले ने हमें ईदी दी है, हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। क्यों महमूद साहब? वो जो हम हाथ से जाने नहीं देंगे वो मौका होगा। हाँ जी आओ जी, फिर देर किस काम? आज वो 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 अब बहुत काम शुरू करें। अबे थोड़ा सब्र कर ले, क्यों दावला हुआ जा रहा है तू? ले जी हमने कर लिया फैसला कि हम लोग लाउंज देंगे आपको किराए पे। अरे ये कीरा बात गोली मार के। हाय पुत्र, तूने गोली कब मारी? भाई लाउंज का पूरा किराया हम एडवांस में लेंगे। बेकर मत करो, मैं एडवांस में पूरा किराया दूंगा गोली मार के। हाय गोली तू इन लोगों को मार, किराया मुझे दे देना बस। ठीक है पश भाई, अब ये लाउंज आपका हुआ। चलो चलो शाबाश, अब सारे तुम लोग अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। हाँ मैंने ये लाउंज किराए पे ले लिया है, अब तुम लोग मुझे यहाँ नजर नहीं आओ, जाओ। तो हम कहाँ जाएंगे मिस्टर? शबाना ठीक कह रही है नशा भाई। देखो शबाना बाजी, एक्सक्यूज मी मैं खूबसूरत हूँ। हाँ तो खूबसूरत लड़की को बाजी नहीं बोलते थे शबाना बाजी? चलो भाई तुम सब लोग अपनी शक्ल गुम करो, हम यहाँ पे कुछ आराम करना चाह रहे हैं। जाओ 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 जाओ। हाँ ठीक है ठीक है, चलो मैं सब हम पैसे गिनते। चलो चलो ये अच्छा किया बॉस, अब आराम से सोते हैं। अबे अबे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? सोने के लिए आया है? चल जल्दी कर औजार निकाल, काम पे लगते हैं। चल चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं बबल बनाए। हेलो अंदर कोई है? कौन है अंदर? हेलो क्या कह रहे हैं आप अंदर? बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। क्या हुआ जानू, तुम तो सोने गई थी कहीं ख्वाब में, पापा जी को तूने देखा ही? शट अप नबील, वो जो मैं देखकर आ रही हूँ ना, अगर तुम देखते तुम्हारे होश ठिकाने लग जाते। अरे ऐसा क्या हुआ है खूबसूरत? हमारे लाउंज वाले बाथरूम में तुमने लाश देखी? आप बताओ। खूबसूरत माँ जी? अच्छा तो तुमने खूबसूरत लाश देखी है बच्चू? नहीं माँ जी, मैंने देखा है कि सारा बाथरूम खुदा पड़ा है, फर्श तोड़ दिया है किसी ने, ये काम उन्हीं दोनों आदमियों का है। नबील वो उस खड्डे में कोई लाश तो नहीं दफनाने वाले? ओ यार महमूद साहब किसकी लाश यार, हम सब तो जिंदा हैं। पुत्र हो सकता है उन्होंने जिंदा लाश दफनानी हो। ओ हो सकता है उन्होंने हम में से किसी का मर्डर करना हो।
मैंने नहीं मरना वो भी ईद वाले दिन। ओ माँ जी आप फिक्र ना करें, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि बड़े मुंह वाले लोगों का बड़ी बेदर्दी से कत्ल होता है भाई। यार मुझे तो वो दोनों सीरियल किलर लग रहे हैं। ओ जानू ऐसे तुम खाम का शक कर रही हो, शरीफ लोग हैं यार। अभी जाके महमूद साहब चेक कर लेते हैं, पूछ लेते हैं उनसे। अरे मैं क्यों जाऊं भाई, तुम जाके पता करो, मुझे तो वैसे भी अभी तक किराए के पैसे भी नहीं मिले। ओ यार चले मैं चलता हूँ साथ में, आपकी तरह कोई डरपोक नहीं हूँ। अबे रहने दो तुम, आ जाए आ जाओ चलो पास करते हैं। तो गई है ना, कमाल है यार, कमाल ही हो गया यार। ओए महमूद साहब आए ना, ये अपना वो पाशा भाई। हाँ बोल, गोली मार के। शादी बीजी तो गोली मारने का कह रहा है। पाशा भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारा बाथरूम खोदने की यार, ऐसा महमूद साहब कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ। अरे जहर लग रहा था तुम्हारा ये सफेद रंग का बाथरूम, मैंने तोड़वा दिया। बात सुनो, ये लो 2 लाख रुपया और नया बनवा लेना। 2 लाख रुपए? हाँ अब की बार नीले रंग की टाइल लगाना, बॉस को नीले रंग का बाथरूम बहुत पसंद है। काश महमूद साहब इनको आपका मुंह भी जहरीला लगे और ये तोड़ दें। मैं इनसे 40 लाख रुपए लेके ना फिर आपकी पूरी सी प्लास्टिक सर्जरी करवाता। अपनी हद में रहो। अबे बाहर जाके लड़ो ना आप, हम बेडरूम में रहेंगे क्योंकि बाहर का बाथरूम हम तोड़ चुके हैं। अरे पाशा भाई आपका जहाँ दिल चाहता है आप रहे, पूरा घर आपका है। चले महमूद साहब माँ जी और खूबसूरत को बताते हैं कि ये ईद हमारे लिए कितनी मुबारक हुई है। ईद मुबारक नबी। खैर मुबारक महमूद साहब, आज वो आज मेरा जाती ख्याल है कि जो जेवरात का संदूक है ना वो इस कमरे में है। शुभाना कहीं हम दोनों वो तो नहीं हो गए? वो क्या? वो जो होने के बाद हम प्राय मर्दों के साथ घूम सकती हैं ना। बेहया? नहीं नहीं, वो जो इदील के मरने के बाद तू होगी। होश चुप है, वो जो सफेद कपड़े पहन के चूड़ियां तोड़ती है ना ड्रामों में। बेवा? हाँ हाँ बेवा, कहीं हम दोनों बेवा तो नहीं हो गए? शुक्र है मेरे लुकमान जिंदा है। अंदर क्या हुआ नबील? ओ जानू तुम खाम खा शक कर रही थी, बाथरूम उन्होंने इसलिए तोड़ा भाई कि उन्हें नीले रंग का बाथरूम पसंद है। क्या? अरे ये देखो 2 लाख रुपए दिए उन्होंने नई टाइल्स लगवाने के। वोशा वोशा, 2 लाख रुपए? हाँ माँ जी, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, जो चीज उन्हें समझ नहीं आती चेंज कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सारे बाथरूम तोड़वा लेते हैं उनसे, बाद में हम उनसे पैसे लेंगे और लखपति हो जाएंगे। जावेद साहब को पता चला ना तो खड़े खड़े हमें घर से निकाल देंगे। अरे निकालते तो निकाले भाई, हम कोई दूसरा घर ले लेंगे। हाय मसूद, मैं अभी शाशा भाई से ना 8-10 लाख रुपए उधार लेके अभी आई। तो अभी 5-6 लाख मेरे लिए भी मांग लेना। अच्छा जाओ फिर जल्दी करो। माँ जी ऐसे नहीं आएंगी, मैं बता दूं आपको। मैं लेके आएगी। चले लाएं फिर आप, बिस्मिल्लाह करते हैं। चले मैं मुसाब, ये आपके। अरे तकना नहीं है, तकना नहीं। अच्छा मुझे लगता है कि जो है ना जेवरात का संदूकचा वो इसी कमरे में दफन है, इस जगह पे। देख लो बॉस, पहले भी पूरा बाथरूम खुदवा दिया आपने मेरे से। भाई तुम्हें मुझ पे शक है? मुझे नहीं है, भाभी को बहुत शक होता था, तभी वो आपको छोड़ के अजमल काने के साथ शादी करके भाग गई। भाई बकवास बंद कर, तू मेरी जहानत में शक करता है गोली मार के? गोली नहीं डंडा मार के बॉस, आपने मुझे बताया था आपके उस्ताद आपको डंडा मार मार के सिखाते थे, लेकिन आप नहीं सीखते थे, नालायक थे, फिर भी अंडा लेके आते थे। चुप नहीं करेगा, खुद पढ़ ले नक्शा। पर तुझे कैसे समझ में आया? पता नहीं बॉस, वो जेवरात वाला संदूकचा इस घर में दफन है भी या नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि जेवरात का संदूकचा इसी घर के अंदर दफन है। होशा होशी, हमारे घर जेवरात का संदूक है, अभी बताती हूँ मुस्तकीम को। मुस्तकीम मुस्तकीम। बॉस अब क्या करेंगे, इसने तो सुन लिया। इस बुढ़िया का कौन यकीन करेगा गोली मार के? और अगर यकीन कर लिया तो? इसका भी मेरे पास एक इलाज है, तो ऐसे कर, काम कर, काम कर, चल शाबाश, रख उसको, मार मार चोट से, और मार, और मार। अरे मार यार। यार माँ जी अभी तक वापस नहीं आई नबील। जानू मुझे अपनी माँ पर भरपूर भरोसा है, जब तक वो पाशा भाई से 10-12 लाख निकलवाएंगी ना आएंगी नहीं वो। या अल्लाह ऐसे लखपति रोज रोज भेज मारे घर। प्लीज। क्या हुआ माँ जी? पुत्र वो दोनों ना अंदर कुछ दफन करने की बात कर रहे थे। क्या?
नबील देखा, मैंने कहा था ना तुमसे कुछ गड़बड़ है। अरे यार की वो हमें मार के दफन करने की बातें ना कर रहे हो नबील। नहीं अफ्तखार, वो लोग ना जमीन से वो निकालने की बात कर रहे थे। अरे वो क्या, तेल? तेल नहीं वो। यार हमारे घर में कोई मम्मी तो नहीं दफन? ओफो यार आप लोग तो चुप करें, मैं तो शुरू से कह रही थी मुझे वो लोग ठीक नहीं लग रहे। लाउंज के किराए के 2 लाख और फिर बाथरूम तोड़ने के 2 लाख रुपए। वैसे जानू बाथरूम तोड़ने के ना उनसे 3 लाख रुपए लेना चाहिए था, ताकि हम छोटा सा स्विमिंग पूल बनवा लेते वहाँ पे। शट अप नबील, हम इसी वक्त उन्हें हमारे घर से जाने को कहेंगे, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ओके जिन्नी, अब हमें मेरा मतलब है जानू। लेकिन भाई हम पैसे वापस नहीं देंगे। ठीक है, बात कर लेते पाशा भाई। देखें। अरे क्या देखूं, गोली मार के इनका मुंह पहले देखें फिर गोली मार दें। ठीक है तो फिर तुम खुद ही बात करो। तो मैं कोई डरता हूँ पाशा भाई से? पाशा भाई आप ना फौरन ये घर छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ये अब मेरी बेगम का ख्याल। अरे भाई चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है ले आ। क्या 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 तो भाई शरबत ला इधर। कोई शरबत नहीं पीना, आप लोग जा सकते हैं। ये लड़की बहुत तेज है। लाचा भाई मैं तो वैसे ही पी रही थी शरबत, ये तलवार निकालने की क्या जरूरत थी। ओए चलो तुम लोग सब शरबत पियो, चलो बैठो बैठो बैठो। पी रहे पी रहे, क्या हो गया यार भाई? पी रहे पी रहे पियो पी रहे। हमने ये बहुत सारा पी लिया, पी लेंगे तो अपनी शक्ल गुम कर ले भाई इधर। हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है बता दे रहा इसको गोली मार के। अरे यार तू गोली मारे बिना ही बता दे। हम लोग यहाँ पे जेवरात की संदूची ढूंढना है, जो पाशा भाई ने किसी घर में डकैती मारती ना वो यहाँ छुपाया। बता क्या मतलब, हमारे घर में जेवरात का संदूक चा खजाना? ये महमूद साहब यार ये मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा? ये मेरे हाथ और मेरी टांगे क्यों नहीं काम कर रही? मैं मुसा मुझसे भी नहीं उठा जा रहा। विशे विशे, मैं भी नहीं उठ सकती इस अफ्तखार। महमूद यार। अच्छा महमूद उठ सकते हैं? क्या ये क्या किया तुम लोग ने? सच सच बताओ क्या मिलाए थे शरबत में? अरे शरबत में हमने ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे तुम्हारा जिस्म बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और अब 3 घंटे तक यूं ही बैठे रहोगे और हम लोग अपनी जेवरात से भरी संदूकी ढूंढ कर यहाँ से फरार हो जाएंगे। चलो पीछे चल के एक एक कमरा खोते हैं। चल चलो बॉस। और अरे नबील, अरे ना पांव हिल रहा है ना हाथ हिल रहा है। यार महमूद साहब मुझसे तो खुद कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लाया जा रहा। यार यार ये क्या हो गया हमें? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ये तो हमारा सारा घर फूट देंगे। हमारे कमरे के टैले भी तोड़ दिए होंगे। लो जी हम तो जा रहे हैं, हमें तो जेवरात का संदूकचा मिल गया है गोली मार के। गोली मार इन सबको, तू मुझे थोड़ा सोना देता जा लाचा भाई। चुप कर बुढ़िया, चल चल फिके। चलो भाई कोई अपनी जगह से हिला तो। हम तो वैसे भी नहीं हिल सकते अपनी जगह से। हाँ बट साहब इन दोनों ने हमें पता नहीं शरबत में क्या मिला के पिला दिए, हम पैरालाइज हो गए हैं बिल्कुल। भाई ओए ओए ओए
भट साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी जान और हमारे जेवरात दोनों बचा लिए। हाँ जी। तुम्हारे कहाँ से हो गए ये जेवरात? आज पहली बार तो तुम लोगों से मुझे फायदा हुआ है। आपका फायदा भट साहब, भट साहब, भट साहब। अब ये जेवरात का संदूक क्या मैं लेके जाऊंगा। हाईलाइट भाई, मुझे 10 तोले का सोने का हार ही दे दे। बाय बाय। भट साहब, भट साहब, भट साहब, भट साहब। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकल।